Good morning children today we will read fourth lesson of your reader book the helpful friends the helpful friends means jo dost madadgar hote means madad that they are called helpful friends let's see what is in this lesson first of all we will read new words here you can see that six words are given let's read it you have to say with me. First of all, I will tell the word and then you will say after me. S T O R M, storm. Storm means Tufan. S H A K I N G, shaking. Shaking means Hilana. B R I G H T L Y, brightly. Brightly means Chamkila. ए एफ आर ए आई डी अफ्रेड अफ्रेड means डरा हुआ बी एल ओ W ब्लो ब्लो means फूकना ठीक है या चलना विंड इज ब्लोइंग फास्ट एंड ही ब्लोज विथ हिज माउथ ओके कुछ भी हो सकता है ट्विक्स टी डब्ल्यू आई जी एस ट्विक्स means तिनका जैसे हम लोग नीम का पत्ती जो हटा देते हैं जब तो जो एक लाइन जैसा बच जाता है दैट इज कॉल्ड ट्विक्स या तुम लोगों ने अपने अपने घर में ब्रूम देखे होंगे झाड़ू तिनके वाली झाड़ू उसमें भी बहुत सारे ट्विक्स होते हैं तो सूखा तिनका पेड़ का जो होता है ना दैट इज कॉल्ड ट्विक्स उसको ट्विक्स कहते हैं यहाँ पे उसी को कह रहे हैं नाउ लेट्स रीड द लेसन देयर इज़ अ स्टॉम इन द जंगल एंड द विंड इज़ ब्लोइंग फास्ट तो क्या हो रहा है जंगल में तूफान है और हवा बहुत तेज चल रही है इट इज़ रेनिंग हैवीली और वर्षा कैसी हो रही है बहुत ज़ोर से बहुत ज़ोर से होती है ना मूसलाधार बारिश उसको कहते हैं तो इट इज़ रेनिंग हैवीली द बर्ड्स आर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इन साइड देअर होम्स तो जब बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं अपने घरों में आ जाते हैं ताकि भींग न जाए तूफान से बचे रहें तो वही बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ भी है क्योंकि जंगल में तूफान है तो बर्ड्स और एनिमल्स अपने अपने घरों के अंदर हैं चर्पी द इज इन हर नेस्ट और यहाँ पर चर्पी द स्पैरो जो है यानी एक स्पैरो है जिसका नाम है चर्पी तो वो भी अपने नेस्ट में है शी इज अफ्रेड ऑफ द विंड लेकिन वो हवा से डर रही है बिकॉज द विंड इज़ ब्लोइंग फास्ट हर मैंगो ट्री शेकिंग और उसका मैंगो ट्री जो है वो हिल रहा है हवा जब चलता है बहुत तेज हवा तो बड़ा बड़ा पेड़ भी हिलने लगता है तुम लोगों ने देखा होगा आफ्टर सम टाइम चर्पीज नेस्ट फॉल्स डाउन फ्रॉम द मैंगो ट्री और कुछ देर में क्या हुआ इतनी तेज हवा थी कि चौपी का नेस्ट मैंगो ट्री से गिर गया कहा नीचे चर्पी, बेचारी अनहैप्पी अब वो क्या हुआ था पानी बरसा भी हो रही थी और हवा भी चल रही थी तो नेस्ट गिर गया और पानी भी पड़ रहा था तो हो गया वो भींग गई तो चर्पी जो है भींग गई और बहुत ही दुखी थी वो अनहैप्पी मीन सैड दुखी पास जाती है टुक टुक द जिराफ और उसका दोस्त कौन था एक जिराफ हु एंड ड्राइजर फेदर्स अब यहाँ क्या होता है कि टुक टुक जो है उसको फूकता है तो जिराफ तो बहुत बड़ा होता है चिड़िया बहुत छोटी सी होती है तो जब वो फूकता है तो उसके मुंह से इतना ज्यादा हवा निकलता है कि चौपी जो है वो भींग गई थी अब वो सूख जाती है उसका सारा पंख सूख जाता है टुक टुक हर सम नट्स उसके बाद टुक टुक उसे कुछ नट्स देता है खाने के लिए डोंट वरी माई फ्रेंड तो टुक टुक क्या कहता है कि दुखी मत हो मेरे दोस्त हम लोग कुछ करेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग द स्टोम इज ओवर अगली सुबह क्या हुआ कि तूफान रुक गया था द सन शाइन्स ब्राइटली और सूरज बहुत तेज चमक रहा था टुक टुक एंड चोपी गो टू द मैंगो ट्री टुक टुक और चोपी कहाँ गए उस मैंगो ट्री के पास गए जहा की चोपी का नेस्ट था लुक एट दिस पिक्चर दिस इज टुक टुक एंड दिस इज चोपी और उसका नेस्ट पूरी तरह टूट गया है Look, tuk tuk. Chirpy says, "Look at these twigs and feathers. In twigs ko or feathers ko dekho. I have no home now. Meri pas ab koi ghar nahi hai. Tears roll down her face. Uske face पर आंसू गिरने लग गए देखो इस तरह से picture में देखो उसके आंसू गिर रहे हैं Don't worry, my friend. Tuk Tuk says. तो टुक टुक क्या कहता है कि चिंता मत करो मेरे दोस्त यू विल सून हैव अ होम तुम्हारे पास जल्दी ही घर होगा टुक टुक कॉल्स ऑल हर फ्रेंड्स और फिर टुक टुक क्या करता है कि अपने सारे दोस्तों को बुला बुलाता है और ओके okay, टुक टुक इज आल्सो अ फीमेल जिराफ टुक टुक भी क्या थी एक फीमेल जिराफ थी लुक कैसे पता चलता है बिकॉज इट इज रिटर्न शी कॉल्स द रैबिट टुक टुक अपने सारे दोस्तों को बुलाती है ठीक है वो क्या बुलाती है किसको? पहले रैबिट को बुलाती है फिर डियर को और पिजन को उसके दोस्त कौन कौन थे रैबिट डियर पिजन रिमेंबर दिस इसे याद रखना है दे ऑल कलेक्ट ट्विक्स और उसके बाद वे लोग क्या करते हैं ट्विक्स कलेक्ट करते हैं लीवस कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करते हैं और वो कलेक्ट करके क्या करते हैं ये वेरी नाइस राइट आंसर दे मेक नेस्ट फॉर चोपी इट इज इवनिंग नाउ अब शाम हो गई है देर आर पाइल्स ऑफ लीव्स फैदर्स एंड ट्विक्स और बहुत सारे लीवस फेदर्स और ट्विक्स जमा हो गए हैं चर्पी पुट्स देम टुगेदर अब चर्पी जो है वो सा, सारे चीजों को मिलाकर क्या करती है घोसला बना लेती है शी नाउ हैज अ लवली नेस्ट अब उसके पास फिर से एक बहुत ही प्यारा सा घोसला है इट इज बिग एंड कंफर्टेबल और इतने सारे थे ट्विक्स और फेदर्स और लीव्स कि इस बार जो नेस्ट बनाई है चर्पी ने वो और भी ज्यादा बड़ा और कंफर्टेबल है कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक थैंक यू वेरी मच चर्पी सेज टू टुक 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 को चौपी ने क्या कहा थैंक यू वेरी मच और उसके दोस्तों को भी एंड हर फ्रेंड्स चौपी इन्वाइट्स देम फॉर अ पार्टी नेक्स्ट इवनिंग और चौपी ने उन्हें पार्टी के लिए इन्वाइट किया अगले शाम में शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ अदर एनिमल्स ऑल्सो ज्वाइन द पार्टी वो अब बहुत खुश है दूसरे जानवरों ने भी उस पार्टी को ज्वाइन किया दे ऑल हैव फन टुगेदर सब लोगों ने मिलकर बहुत मस्ती की You can see here in the picture, they are doing party. Ok children, let's see some of the exercises. Who said the following lines? I have no home now. Chirpy. Don't worry my friend, we will do something. Who is saying this? Tuk, -tuk. Now tell me who is chirpy? Yes, chirpy is a sparrow. Who is Chirpy's friend? Tuk-tuk is Chirpy's friend. Whom does Tuk-tuk call for help? Tuk-tuk call a... Yes, here it is given. I am going to show you. Yes, Tuk-tuk calls rabbit, deer and pigeon for help. now what things do all the animals collect for making a nest all the animals collect leaves twigs and feathers for making a nest put the words in the right order what you have to do here here jumble sentences are given you have to arrange it in right order द करेक्ट आंसर विल बी देंड इज ब्लोइंग फास्ट यू कैन सी हिस्टर इट इज रिटर्न टूक टुक ड्राइज हर फेदर्स एफ एच ई आर एस एस यहां नहीं लिखा है लेकिन तुम्हें लिखना है चौपी हैज अवलीनेस्ट ओके चिल्ड्रेन नो समिट वर्ड्स ऑल्सो हिस्टर फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी स्लो मीन्स धीरे फास्ट तेज सैड उदास हैप्पी खुश ड्राई सूखा वेट गीला स्मॉल छोटा बिग बड़ा ऊपर, डाउन नीचे यू हैव टू फिल prepositions. ओके okay? चोपी इज इन हर नेस्ट नेस्ट के अंदर है चोपी तो क्या होगा इन होगा हर नेस्ट इज ऑन अ मैंगो ट्री मैंगो ट्री के ऊपर था उसका नेस्ट तो ऑन होगा मैंगो ट्री पर हर नेस्ट फॉल्स डाउन फ्रॉम द ट्री फ्रॉम से तो पेड़ से गिर गया हर नेस्ट फॉल्स डाउन फ्रॉम द ट्री लुक एट लुक में हमेशा एट लगाते हैं हम लोग लुक एट दीज ओके चिल्ड्रेन होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड एक्सरसाइजेज यू कैन डू इन योर कॉपी share this with your friends also so that they can learn also this story very well and don't forget to like it and subscribe my channel okay thank you